किस तरह से पीके के किरदार को बनाने के लिए कॉस्ट्यूम टीम ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की, क्यों पीके कभी अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं करते थे। स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्टेड मूवी पीके के सीक्वल के बारे में। पीके मूवी अपने रिलीज ईयर की बहुत ही ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। मूवी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का कहना था कि पीके मूवी के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर तैयार करना था जो बिल्कुल ही ज़्यादा अलग हो, जिसकी कहीं भी कोई रेफरेंस ना हो, ना किसी मूवी में दिखाया गया हो और ना ही किसी बुक में दूर दूर तक उसका जिक्र किया गया हो। इसके चलते अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन्होंने तैयार किया पीके मूवी के मेन कैरेक्टर को। पीके किरदार की जो सबसे खास चीज़ थी वो थी उनकी इनोसेंस, जिसको ध्यान में रखते हुए मूवी मेकर्स ने पीके को अलग अलग लुक्स में ट्राई किया ताकि इस मूवी के लिए बिल्कुल सही किरदार तैयार किया जा सके। आमिर खान ने बताया कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेयर स्टाइल्स ट्राई किए, उन्होंने ग्रीन कलर के लेंसेज का भी इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने कानों को भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच किया ताकि वो मूवी के किरदार के लिए एक हिलेरियस लुक दे पाए, क्योंकि पीके के लुक्स का फनी होना मूवी स्क्रिप्ट की बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिमांड थी। मूवी डायरेक्टर बताते हैं कि सबसे मज़ेदार था पीके के कपड़ों की सिलेक्शन के बारे में। मूवी के लिए पीके का बहुत ही ज़्यादा अतरंगी कपड़ों का पहनना काफ़ी ज़रूरी था, जिस वजह से कॉस्ट्यूम टीम ने बहुत ही ज़्यादा लुक्स ट्राई किए। इवन कि कॉस्ट्यूम टीम गाड़ी लेकर सड़क पर ही उतर गई और हर तरफ ऑब्जर्व करने लगी, उन्हें कोई इंटरेस्टिंग क्लोथ्स दिखते वो वहीं से उन लोगों से वो कपड़े उतरवा लेते और उन्हें नए कपड़े गिफ्ट कर देते। आमिर खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पीके मूवी में उन्होंने जो भी कपड़े पहने हैं वो किसी ना किसी से लिए गए ही कपड़े हैं और ऐसे करते करते सब कुछ सेटल डाउन हो गया। मगर अभी भी डायरेक्टर्स को कुछ मिसिंग लग रहा था जब वो लोग मूवी के टीज़र के लिए शूट कर रहे थे, तो वहीं एक शूट के दौरान उन्होंने आमिर से कहा कि सेम शॉट बिना आंखों को ब्लिंक करे दे, और आमिर ने वैसा ही किया और जैसे ही वो शॉट रिकॉर्ड हुआ सबको लगा कि उनको अपना एक्चुअल पीके मिल चुका है। आपके इस मूवी के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिकी ने। थैंक यू।